तो आज वीडियो में बात कर रहा हूँ वीडियो शो एप्लीकेशन के बारे में कि वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। अगर आप कोई यूट्यूब क्रिएटर या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो और आपको एक वीडियो एडिटर चाहिए जो मतलब जिसके अंदर आपको कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं मिलता और काफ़ी सारे उसके अंदर आपको फीचर्स वगैरह जैसे क्रोमा की या फिर काफ़ी सारे मतलब ट्रिम कंप्रेस वीडियो को ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर देना या फिर क्रॉप करना या फिर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे क्रोमा की। तो ऐसे कुछ तरीके से आप मतलब जो फीचर्स होते हैं आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एडिट वीडियो के अंदर जाना है और यहाँ से आपको कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोई भी एक वीडियो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेना है, एक सेकेंड में बैक ले लेता हूँ। यहाँ से आपको वीडियो को ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जैसे आप वीडियो के अंदर आपको कुछ इस तरीके से आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ से आप साउंड या फिर म्यूजिक या फिर साउंड आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ से आप एडिट करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एडिट क्लिप्स, सब टाइटल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ट्रांजेक्शन वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, कैनवास वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, फिल्टर, वीडियो ओवरले, इफेक्ट्स, स्टिकर, स्क्रोल टेस्ट यहाँ पर आप कुछ ऐड कर सकते हो, पिक्सलेट, डूडल, GIF, एडिट क्लिप, शॉर्ट ऐप्स आप शॉर्ट वगैरह कह सकते हैं, कैनवास वगैरह ऐसे आप और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ से बात करते हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होने वाली है, तो यहाँ से आप 1080p तक आप 60fps तक आप वीडियोस को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इसका जो प्रीमियम वर्जन उसे अगर आप बाय करते हो तो आप 1080p के अंदर वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। यहाँ पर आप डायरेक्टली आप सेव टू गैलरी के अंदर जाकर के आप वीडियोस को सेव कर सकते हो। बात करते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने की लिंक है मैंने प्रिंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से जाने के बाद जहाँ से आप वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए जैसे आप लिंक में जो मैंने दे रखी है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले आपको दोनों चैनल्स को जो यूट्यूब चैनल्स उनको आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद बैक कर लेना है। यहाँ पर लॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओ और वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर हो तो एप्लीकेशन आपको मतलब यूज़ करना चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।